सर, हमारा जो मामला है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 से है और ये हमारा मामला है। ये सरकार की जो जबरदस्ती जो मनमानी है उसकी वजह से इतना डिले हुआ है, क्योंकि ये भर्ती थी 21,000 की, उसमें से जो अगस्त में रिजल्ट आया था उनमें से 19,000 कुछ पे रिजल्ट आया था और सभी को स्कूल आवंटित हो गई थी, और सितंबर जो लास्ट वीक था उसमें 15,000 कुछ ने ज्वाइन कर लिया था और कुछ रह गए थे, जिनमें से हम जो बच्चे हैं वो हैं 4,000 के लगभग, उनको स्कूल भी आवंटित हो गई थी और कई हम में से वो हैं जिनके नियुक्ति ऑर्डर भी जारी हो गए थे, पर वो है ना कि जैसे मेडिकल बनवाना पड़ता है, उसके बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन उसमें टाइम लगता है, तो उस चक्कर में आचार संहिता लग गई। फिर आचार संहिता में जो अधिकारियों की मनमानी थी, उन्होंने बोला कि हम परमिशन लेंगे, फिर परमिशन नहीं मिली। अगर वो चाहते तो हमें नियुक्ति दे सकते थे बैक डेट में। अब सरकार से हमारी ये मांग है कि चाहे AG उतरो चाहे AA उतरो, किसी भी हालत में हमें नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हमें बहुत मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं और जीने का जीना नहीं है, और जो ये यहाँ पे धरना चल रहा है ये लगातार 10 दिन से रेगुलर चल रहा है, और हमारा ये काम थोड़ी, हम तो एक शिक्षक हैं, जो हम स्कूलों में जाएंगे वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, हमारी मांग वहाँ है, हमारी यहाँ है। अगर एक शिक्षक जो इस देश का एक शिक्षक अगर रोड पर सोएगा ना, तो फिर स्कूल का काम कैसे चलेगा। सर, अभी का हमारे डेलीगेशन जाते हैं रोजाना, सच्चे वाले भी जाते हैं, गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, बट जो चीज़ हम चाहते हैं ना कि जो आश्वासन ताकि जो हमारे लिए कुछ हो सके, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। जब तक सर नियुक्ति नहीं मिलती, यही है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है 13th February की, उसमें एडवोकेट जनरल हमारी तरफ से मजबूत पैरवी करे ताकि यथास्थिति हट जाए, हम आगे स्कूलों में जा पहुँच पाएँ। सर, सरकार से हमारी मुख्य मांग यही है कि जो ये भर्ती बच रही है उसको पूर्ण किया जाए, पर इनमें से जो 3,500 बच्चे हैं उनको जो जिला अलॉटमेंट हो गया, स्कूल अलॉटमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया है, फिर भी इनको जॉइनिंग नहीं दी जा रही है, जबकि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो 19,500 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, पर उनमें से 15,500 की नियुक्ति हुई है, अभी 3,500 बच्चे बाकी हैं, पर उनके हिसाब से तो वो अपने आंकड़े दिखा रहे हैं वो 19,500 के दिखा रहे हैं, जबकि 3,500 बच्चों को स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, और 10 दिन से धरना जारी है, जब तक हमारे को नियुक्ति नहीं मिलती तब तक हम यहीं रहेंगे। मैं टोंक जिले का रहने वाला हूँ और टोंक का रहने वाला हूँ और 29 तारीख से हम यहाँ अपना धरना दे रहे हैं। हमारे साथ जो गुजर रही है वो हमें पता है, समाज में हमारे को ताने मिल रहे हैं कि ये फर्जी है, और जो जिस स्कूल में मेरी जहाँ मेरे को जॉइनिंग अलॉट हो गई स्कूल, वहाँ से भी इस बार बार जो साथ वाले स्कूल से टीचर उनका फ़ोन आ रहे हैं, क्या हुआ, क्या आपके फर्जी है गया, तो हमारे लिए शर्म वाली बात हो गई है। तो हम सरकार से यही मांगे हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और इस भर्ती को पूरी करवाए। सर, मैं झलावाड़ के असनावर गाँव से आया हूँ और मैं जो नियुक्ति नहीं हो पाई है मेरी, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दिनों दिन मेरा वजन घटता जा रहा है, और जो घर के आसपास पड़ोसी है मेरे साथी जो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वो उनसे ताने मिल रहे हैं मुझे, तो उस समय घर से बाहर भी नहीं निकल पाता हूँ। सरकार से यही मांगे सर, जो 13 फरवरी को जो AG से पैरवी की जा रही है, मतलब करवाने के लिए AG से जो पैरवी करवाने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से यही उम्मीद है कि 13 फरवरी को जो हमारी सुनवाई है उसमें AG से पैरवी करवाएं और हमारी जो यथास्थिति लगी हुई है उसको बहाल करें। यहाँ जो मैं यहाँ पे 5-7 दिन से मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पे हमारे वैसे तो सारी व्यवस्था करवाई गई है टीम के द्वारा, पर बाकी फिर भी जैसे बरसात के टाइम पे समस्या हुई थी, हम बीच में जैसे बारिश 12-1 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी तो हम उस टाइम मतलब 3-4 घंटे तक जगे रहे, नींद नहीं निकाल पाए उस दिन, तो उसके बाद अगले दिन भर बारिश हुई, बीच बीच में थोड़ी बहुत दूर रुकी फिर आई, तो उससे क्या है मेरा स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया है। मेरे पास मैंने दिखाया भी है डॉक्टर को यहाँ पे, तो मैं टेबलेट मेडिसिन ले रहा हूँ सर।